एकदम बचपन वाला स्वाद है इसमें। Hey guys, welcome to my full vlog part 6 में आपका तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहीं व्लॉग देखते देखते भूल ना जाए। तो भाई कड़क गर्मी पड़ रही थी दोपहर में, आज है शादी का दिन और मैं और सिस्टर इंजॉय कर रहे हैं ठंडी ठंडी आइसक्रीम, यम यम यम। तो भाई हम लोग तो इंजॉय कर ही रहे थे, ये बेचारे पपी को भी बहुत टेस्टी लग रही थी तो इसे दिखाया, फिर इसे टेस्ट कराया और इसने टेस्ट करके छोड़ दिया। घंघोर बेइज्जती हो गई मेरी। दादाजी मम्मी आई है, मेरी मम्मी। मम्मी कहाँ हो? याद नहीं, याद नहीं, बहुत पहले कहा है। हाँ इतना गर्मी है बाहर, देख रही हूँ गर्मी गर्मी। तो वहीं पड़े थे अभी नहा के, कुछ ना कुछ में लग जा रहा है यार, भूल जा रहे हैं निकलना। पापा 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 कहाँ? यही बैठे हैं, उनसे कह रहे हैं गर्मी मत बैठिए, अंदर बैठ लीजिए, सुन ही नहीं रहे। नहीं वही जो लगा है वो पन्नी वाला, जिनके घर शादी है वहीं बैठे हैं। पापा गए, पापा आइसक्रीम वाला आए तो पापा दिलाए। तुम अकेले अकेले खा रही हो, यहाँ कई लोग हैं, नहीं लाई। खांसी हो जाए भैया, पापा कह रही है खा ले ली, तो पापा कह रही है चलो, पापा कह रही है पहले तुम चलो। चलो नहीं चलिए होता है। कल्याण कहाँ बंका? तो आ गर्मी लगी है आज, इसको भी खाना, इसको गर्मी नहीं लगती क्या? आई इसमें मम्मी, इसमें मेरी प्यारी सी बहन है जो सबको मेहंदी लगवा रही थी, तो मम्मी का डन हो चुका था जैसा कि आपने देखा, मेरा हाथ बचा था तो मुझे भी बोला कि दीदी आप भी लगवा लीजिए, तो मैंने भी लगवा ली। मैंने कहा कि मुझे सिंपल वाली लगा दो, बहुत टाइम हो गया इसको लगाए हुए, तो मैंने ये डिज़ाइन चूज़ किया और ये लगवाया जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और मैं वापस से स्टार्ट हो गई फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ क्लिक करना। तो भैया यहाँ पर पानी से धुल रहे होते हैं तो मुझे ऐसे बैठना पड़ता है। अभी देख रहे होंगे आप कि ये सारी घर की औरतें ये जहाँ से लौट रही हैं, वो शादी बारात जाने से पहले जो एक मंदिर में जाकर पूजा होती है वो करके सारे के सारे लोग लौट रहे हैं। हम नहीं जा पाए थे बिल्कुल भी क्योंकि बहुत प्रचंड गर्मी हो रखी थी। बढ़िया बढ़िया जो ड्रेस तुम ट्राइस करो, अच्छी से अच्छी ड्रेस तुम्हारे लिए। यहाँ पर आकर देखते हैं तो मम्मी एंड सब लोग थम्स अप इंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि भैया हम सबके लिए लेकर आते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ देर बाद भूख लग जाती है क्योंकि सुबह का नाश्ता किए हुए थे, एंड देन उसके बाद दाल चावल, हाय रब्बा बहुत टेस्टी। फिर उसके बाद मुझे मिल जाता है आरओ, और भाई जो ही आरओ की गंदी लत लगी है तो जब काफ़ी टाइम से ना मिला हो तो लगता है सालों से नहीं मिला। एंड देन उसके बाद मम्मी का कुछ काम निपटाती हूँ। मम्मी कह रहे थे भीड़ हो जाएंगी तो आप खाली नहीं रहेंगी। धीरे धीरे टाइम हो रहा होता है, सब अपनी प्रिपरेशन करने लगते हैं। सृष्टि बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी ये फ्रॉक पहनने के लिए और मुझे भी देखिए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बचपन में भी मैंने इसे बहुत देखा बट कभी भी ट्राई नहीं किया है, बट रियली बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, आप सब देख सकते होंगे। सबसे पहले सृष्टि को तैयार किया जाता है एंड देन बूम से बजता है पटाखा, 1 2 एंड 3।
सीरियसली सब के सब डर जाते हैं और बाहर चेक कर निकले जाते हैं और सारे के सारे बच्चे से बड़े सब तैयारियों में लग जाते हैं क्योंकि बारात निकलने का टाइम हो ही रहा होता है। अरे बाप रे बाप, दिशा दिशा दीक्षा, तुम तो एकदम गमका दी हो कमरा यार, क्या लगाई हो। अब मुझे भी तैयार होने मन कर रहा है, तुम्हारे माथे पे देखो तो सबसे बड़ा धमाका अब होगा। सृष्टि को हम तैयार कर रहे हैं पूरा भाई, आईलाइनर, लिपस्टिक, फाउंडेशन, जो जो भैया को चाहिए हम सब कुछ लगा देते हैं। उसके बाद जब दिशा तैयार हो चुकी होती है, उसे आईलैशेस लगाने होते हैं, तो भाई सृष्टि जिद लेके बैठ जाती है कि दीदी मुझे लगा दो। मैंने कहा भैया ये एक ही को लगेगा, आप देखो क्या हो रहा है। दीदी अगर लगा तो लगा दूंगी, बहुत खराब लगेगा। तुम्हारी आँख वैसे, इसकी आँख छोटी है, तुम्हारी बड़ी है, कैसे लगाए देखो। अगर दीदी लगा तो लगा, देखो सृष्टि ऐसे नहीं करते, गंदी बात है। अगर दीदी लगा तो इनकी लगा तो हम छूट देंगे, अगर लगा तब हाँ लगी। कंक्लूजन ये निकला कि सृष्टि ने रो दिया, फिर दिशा ने उसे मना लिया और फाइनली सृष्टि फिर से मेकअप करके तैयार हो ही गई। देख सकते हो कि पिंक फ्रॉक में वो आगे घूम रही है बारात जाने के लिए। अभी कुछ ही देर बाकी है और सारी रस्में हो रही होती है। मुझे फिर से गर्मी लग जाती है तो मैं जाकर बैठ जाती हूँ हवा खाने के लिए। तो आप सब सोच रहे हो कि इसको इतनी गर्मी लग रही है तो ये गांव आई ही क्यों है, इसका इतना नाटक है। सीरियसली मेन रीज़न सिर्फ ये है कि घने बालों की वजह से सर में दिक्कत सी होने लगती है, इस वजह से थोड़ा गर्मी अवॉइड करना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं। और फैशन है तो भाई बाल खोलना, बिना बाल खोले तो फैशन तो होगा नहीं अपना, तो फैशन भी बहुत ज़रूरी है इसलिए। और गाँव आने से 2-3 महीने पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि गाँव जाना है यार इतने सालों बाद, तो इसीलिए गर्मी बहुत लगती है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपना ढेर सारा प्यार मेरी सारी वीडियोस पर बरसाइए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। खाओ पियो खुश रहो। फुल ब्लॉग पार्ट 7 में मिलते हैं कल। टाटा।